शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बीबी जी आप कहाँ जा रही हैं? आप और दादी माता बाहर गए? कहाँ गए? शहर से बाहर गए, मालूम नहीं कब लौटेंगे। क्या लेने आई हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। नहीं बात तो सुनिए, राजा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कहाँ है राजा? हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसको ऑपरेशन करना है, 1,00,000 रुपए की जरूरत है। अगर ऑपरेशन जल्द से जल्द नहीं हुआ तो वो नहीं बचेगा। मेरे राजा को बचा लो, मेरे राजा को बचा, मेरे राजा के पास ले चलो। ठीक है, तुम दोनों अस्पताल चलो, मैं पैसा लेकर आता हूँ। चलो। पागल तो नहीं हो गए हजारी प्रसाद? बेटे के जज्बात में बहकर अपने दुश्मन की बेटी की मदद कर रहा है? भूल गया जब उस कमीने मेहरा ने भरी महफिल में तुझे थप्पड़ मारा था? हजारी प्रसाद, यही मौका है अपने अपमान का बदला लेने का। इसे हाथ से मत जाने देना, मत जाने देना हजारी प्रसाद। बाबूजी क्यों नहीं अभी तक? परेशान ना हो बेटी, वो रुपये लेकर आते ही होंगे। ठहरो, तुम राजा से बहुत प्यार करती हो ना, तो फिर राजा के लिए क्या कर सकती हो? कुछ भी, लेकिन पहले राजा को ऑपरेशन तो हो जाने दीजिए। एक एक सेकंड उसके लिए बहुत कीमती है। और राजा मेरे लिए कीमती है। तो फिर क्या चाहिए आपको? तुम्हारा मंगलसूत्र। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? पागल इतने होश आवास में बातें नहीं करते। एक सुहागन की हाय मत लीजिए, सुहागनों के आंसू विधाता की कलम की स्याही बन जाते हैं, और फिर वो जो भी लिखते हैं उसे वो खुद भी नहीं बदल सकते। इसकी हाय पता नहीं कौन सा काल बनकर लौटेगी। बकवास बंद कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो, हैवान हो। हाँ हाँ, मैं राक्षस हूँ, हैवान हूँ, लेकिन मुझे ये सब बनाया किसने? इस लड़की के कमीने बाप ने। उसने मुझे कहीं का नहीं रखा, बेइज्जत कर दिया, बड़ी महफिल में मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। लेकिन बाप का बदला बेटे से क्यों ले रहे हो? लाओ बैग, मुझे दो। खबरदार, जो मेरे मामले में कभी दखल दिया तो निकल जा यहाँ से, वरना तेरा मेरा रिश्ता खत्म। जाओ यहाँ से, जाओ, चली जाओ। अब एक बात तू भी सुन ले, अगर तेरा पति मर गया तो दोष मुझे मत देना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए समाप्त कीजिए। मैं भगवान के लिए नहीं, अपने लिए ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन अगर राजा मेरा पति है तो आपका बेटा भी था है। मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जिस दिन वो तुम्हारा पति बना था, और उसने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाला था। इस हार में मेरी जीत छुपी है, इसे मुझे दे दो। ये सिर्फ गले का हार नहीं है, इसके काले दानों में करवा चौथ की वो तमाम रातें गुथी हुई है जब मैंने अपने पति के लिए मन्नतें मांगी थी। आप मेरी जिंदगी मांगते तो मैं आपको दे देती, लेकिन मैं अपना मंगलसूत्र कैसे दे दूं? तुम अपने आंसू और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो बेवकूफ लड़की, मैं जा रहा हूँ। मत कीजिए, मेरे राजा को मुझसे अलग मत कीजिए, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। रुक जाइए, आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार। चल और अपने सुहाग की कसम खा कि आज से तेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं। चल, आज से इससे मिलना तो दूर, तू उसके रास्ते में भी नहीं आएगी। इसे कुछ नहीं बताएगी कि तूने इससे मिलना क्यों छोड़ा। तुझे पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की कसम, आज से तू और राजा पति पत्नी नहीं। और अगर तूने ये कसम छोड़ी तो तू राजा का मरा हुआ मुंह देखेगी। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। पानी लाओ। सर पानी। चाय
पहले मैं मर जाना चाहती हूँ दादी। नहीं, मैं मर जाना चाहती हूँ। नहीं बेटे, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मेरे लाल, किसने तेरी हालत बनाई? कौन है वो? अरे अरे मेरा साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी, और इस हाल में लगता है बेचारी ने तीन चार दिन से खाना नहीं खाया, जबकि मेरा साहब के चार बड़े बड़े होटल हैं। और कपड़े, अरे अरे, तन ढकने को कपड़े तक नहीं, और मेरा साहब की छह कपड़े की मिले हैं। सज्जनो, आप शायद नहीं जानते, लेकिन मैं मेरा साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए आज इनको इस हाल में देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि जिस बेटी की एक सिसकी से मेरा इंडस्ट्रीज की ईंट ईंट हिल जाती थी, वो आज एक जिंदा लाश है। हजारी, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है मेरा साहब, अपनी बेटी की हालत पर तरस खाइए। हाँ तो सज्जनों, ये बेसहारा लड़की इश्क के चक्कर में पड़कर घर से भाग गई। फिर जैसा कि होता आया है, इसके यार ने इसको घर से निकाल दिया। अब क्यों निकाल दिया ये मुझे नहीं पता, ये आपको मेरा साहब ही बताएंगे। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश, अगर कोई रिश्ता अच्छा सा तो बताइए, पैसों की फिक्र मत करिए, पैसा मेरा साहब के पास बहुत है, दान दहेज में बहुत कुछ मिलेगा भाई। अरे दहेज के लिए किसी का कोई उतारा हुआ पहने, इतने बेगैरत नहीं है हम लोग। सुन लिया मेरा साहब, अब आपकी बेटी के पास दो ही रास्ते, या तो ये खुदकुशी कर ले, या फिर जाकर किसी कोठे पर बैठ जाए। Shut your mouth, sir. You shut your mouth, मेरा। ये लो मेरी शॉल, और जिंदा लाश को ढक दो। थोड़ा पुरानी है क्योंकि एक कबाड़ी और रद्दी वाले की शॉल है, लेकिन तुम्हारी बेटी की इज्जत ढकने के लिए काफी है। और ये लो कटोरा, इससे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगना। और एक बात याद रखना मेहरा, जो थप्पड़ दिखाई नहीं देता वो ज्यादा गहरी चोट करता है। ले बेटा, दवा पी ले, ले। पहले मुझे ये बताओ कि मधु कहाँ है? जब भी मैं पूछता हूँ तुम टाल जाती हो, मुझे साफ साफ बता दे क्यों नहीं कि वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसी है वो? ठीक तो है ना? वो जैसे भी है मैं उसे मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। कहाँ है मधु माँ? तुम जानना चाहते हो मधु कहाँ है, किस हाल में है? तो सुनो बेटा, जिस मधु के लिए तुम इतना बेचैन हो रहे हो, मधु मधु चिल्ला रहे हो, वो तुम्हें छोड़कर अपने बाप के घर चली गई है। आप झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो फिर इतने दिन जब तुम अस्पताल में अपनी मौत से लड़ रहे थे, वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आई? क्योंकि वो अपने बाप के घर में ऐश कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ हम वक्त पर पहुंच गए, वरना तुम्हारी लाश उठाने वाला कोई नहीं था। नहीं नहीं मधु, ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। डैडी वो मेरे लिए मर सकती है, लेकिन मुझे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। बेवकूफ लड़के, वो जिसे तू अपनी अनारकली, अपनी लैला, अपनी हीर समझ रहा है, वो जिसके साथ तूने साथ फेरे लिए थे, वो जिसके गले में तूने मंगलसूत्र डाला था, वो मेरे मुंह पर मार गई तेरा दिया हुआ मंगलसूत्र। ये देख। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। अगर मेरी जबान से ज्यादा तुझे अपनी आंखों पर भरोसा है तो जा खुद देख ले, तेरी वो मधु तुझे पहचानती भी है या नहीं, जा देख। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की कसम, आज से तू और राजा पति पत्नी नहीं, और अगर तूने ये कसम छोड़ी तो तू राजा का मरा हुआ मुंह देखेगी। हाय मधु, तुम्हारे लिए फूल। आओ शक्ति, यू लुकिंग गॉर्जियस। तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। चलो शक्ति। हाँ चलो। राजा, तुम? मुझे जिंदा देखकर अफसोस हो रहा है।
मधु तुम इतना गिर सकती हो ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जब मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि तुम मुझे अस्पताल में मरने के लिए अकेला छोड़कर चली गई तो मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरा बाप सही था और मेरा प्यार झूठा। तुम चुप क्यों हो मधु, जवाब दो, बोलो मधु, क्या कमी थी मेरे प्यार में, कौन सी भूल हुई थी मुझसे मधु जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। देखो राजा, बचपन से मुझे ऐशो आराम की आदत रही है और तुम्हारे साथ रहकर मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, और फिर तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तो ना ही मुझे एक विधवा बनकर जीना मंजूर था और ना ही एक अपाहिज की पीवी बनकर। नहीं, नहीं शक्ति, जाने दो इसे, बेचारा इस वक्त होश में नहीं है। होश में तो मैं अब आया हूं, मैंने तुमसे प्यार किया है मधु और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है वो किसी को बताना नहीं, वरना लोगों का प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा।